आप देख रही है सुअर और कितना, मेरे को ऐसे लगा कि कोई चित्तल है हरिन है, मगर शुगर है वो देख सकते हैं आप। और जो आपको जो दिख रहा है मोर है, ये पूरे पंख फैला के मादा को लुभाने की कोशिश कर रहा है। उसके आगे में एक मादा है और आप देख सकते हो पूरी पूरी कोशिश करूँगा आपको दिखाने की, क्योंकि नज़दीक जाऊँगा तो वो शायद भाग जाए, तो मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। और अभी अभी यहाँ से एक सुअर गया, उसके बच्चे थे, वो आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। अभी यहाँ से थोड़ा क्लियर दिख जाए क्योंकि वहाँ पे मादा है, और ये जो मोर नर है ये मादा को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहा है। शायद आपको दिखाऊंगा वो आगे में है, क्योंकि यहाँ पे मेरी हलचल देख के वो भी और खड़ा हो गया। क्योंकि वाइल्ड लाइफ में ऐसा है कि 1-2 घंटे के लिए जगना पड़ता है, और आपको और एक बार नज़ारा दिखने को मिले तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जहाँ मैं बैठा था वहाँ पे एक जंगली सुगर गया, और वहाँ पे उसके छोटे छोटे 4-5 साव थे। दोबारा है बजाओ मत, और वो लुभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि उसके आगे में मादा है। और आपको जैसे ऐसी लेटेस्ट वीडियो हो तो आप मेरे फेसबुक ब्लॉग को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसा नज़ारा आपको कभी दिखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बरसात मीटिंग के समय बरसात के समय ही होता है। और आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको दिखा दे जाऊँगा, क्योंकि ये मोर मादा को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे मैं कैमरा लगा सकता था, मगर कैमरा लगाऊंगा और देखेंगे और भग जाएगा, क्योंकि मैं घास में घास के अंदर हूँ। और आपकी मोर की आवाज़ देख सकते हो कितना प्यारा सुंदर सा नज़ारा है, ये पूरे मादा को लुभाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा नज़ारा आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा।